लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए भारतीय बाजारों की, ये भी समझना काफी इंपॉर्टेंट होगा। हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर ये बताने के लिए, लेकिन उसके पहले एक बार एफआईएस और डीआईएस के अपडेट भी देख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि किस तरह के संकेत मिल रहे हैं घरेलू बाजारों के लिए। तो एफआईएस की बात करें तो कैश मार्केट में कल करीब 550 करोड़ की बिकवाली हुई है, लेकिन उसके सामने एग्जैक्ट डीआईएस की तरफ से उतनी ही अमाउंट के आसपास की खरीदारी भी देखने को मिली है। 590 करोड़ के आसपास की खरीदारी डीआईएस कल करके गए। ऑप्शन पे नज़र डालें एफआईएस की तो वहाँ पर भी हमने देखा कि हल्की बिकवाली का आंकड़ा है, और वो आंकड़ा आपके स्क्रीन पर हम लाने की कोशिश करेंगे। इंडेक्स फ्यूचर की अगर बात करें तो एफआईएस ने 1257 करोड़ की खरीदारी की, वहीं इंडेक्स ऑप्शन में 22,700 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा नज़र आ रहा है। तो इन आंकड़ों को आज के लिए कैसे एनालिसिस करना चाहिए और आज के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, ये बताने के लिए हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, कल परसों और तरसों पिछले 3 दिन से मार्केट गैप के साथ तो ओपनिंग कर रहा है, और इस गैप के बाद वो ज्यादा बढ़ता नहीं है। कल स्लाइटली इंप्रूवमेंट आते हुए देखी है आपको। ट्रेड के अंदर हमने 2 क्रिटिकल लेवल्स को गैप की हेल्प से पार किया है। पहला क्रिटिकल लेवल था 19200, जिसको हमने पार किया। कल 19400 के ऊपर कल क्लोज किया। हालांकि वो बाजार ने सामने सामने पे किया, गैप तो नहीं दिखाया था, गैप उससे थोड़ा कम था। बैंक निफ्टी के अंदर भी कुछ यही आता हुआ दिखा है। पहले हमने 43,000 को पार किया, फिर हमने 43,500 को भी पार करके कल क्लोज किया। तो क्लोजिंग लेवल से कल बाजार की अच्छी क्लोजिंग है, लेकिन ये तीनों की तीनों चीजें क्लोजिंग की मिली, और जो मैंने लेवल्स आपको बताए, ये 3 दिन के गैप अप और ग्लोबल मार्केट्स की हेल्प से था। इसमें एफआईएस का रोल थोड़ा कम था, क्योंकि एफआईएस की होल्डिंग में कोई ज्यादा बड़ा चेंज नहीं है और आज भी नहीं है। वो करीब 17.5% लॉन्ग पोजिशन लेके अभी बैठे हैं, और अभी लो लगा था वो 13% का है। यानी कि सारा का सारा क्रेडिट अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं ग्लोबल मार्केट्स को। तो ग्लोबल मार्केट जैसे भी परफॉर्म करेगा, इंडियन मार्केट वैसे ही परफॉर्म करेगा। अब उसका सपोर्ट और उसके रेजिस्टेंस सिर्फ सीधा ग्लोबल मार्केट से कनेक्ट हो गए हैं। तो आज अगर आप देखें तो गिफ्ट निफ्टी को आप क्लियरली वॉच कीजिएगा। ज्यादा बड़ा नुकसान तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ, यहाँ पे आके फटीक जरूर होगी, थकावट हो सकती है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट लिव्ड होती है, वो 2 दिन या 3 दिन चलती है, इससे ज्यादा आप उसको चला नहीं सकते। तो टिपिकली 2 से 3 दिन हो चुके हैं शॉर्ट कवरिंग, और हमने एक लेवल की तेजी भी हमने देख लिया। ऑलमोस्ट आपके देखे तो निफ्टी के अंदर 400 पॉइंट तक की तेजी आ चुकी है, और बैंक निफ्टी के अंदर ऑलमोस्ट करीब 550 से 600 पॉइंट की तेजी है। तो आज का दिन एक्चुअली में थोड़ा साइडवेज और एक टफ कंसोलिडेशन का दिन हो सकता है। मार्केट अपने सपोर्ट्स को बचाने की पूरी कोशिश करेगा, रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए नए फोर्स, नए लेवल्स, नए आयाम की जरूरत है। अर्निंग से कुछ खास बड़ा सपोर्ट अभी तक मार्केट को नहीं मिल रहा। अर्निंग जो भी कर रही है सिर्फ अपने लिए निजी कर रही है, उसका ऐसा सपोर्ट मार्केट को ऐसा कोई बड़ा नहीं है। ऑप्शंस वालों के लिए थोड़ा विक्स बढ़ा हुआ है, तो ऑप्शंस राइट करना, ऑप्शंस बाय करना, ये दोनों उनके लिए ट्रेड खुले हुए हैं, चाहे तो कर सकते हैं, बट किसी वित्तीय सलाहकार की हेल्प से करें, क्योंकि जो एक वैल्यूएशन कम्फर्ट मिलता था कॉल्स वालों को, वो पिछले 3 दिन की शॉर्ट कवरिंग से निकल जा चुका है। तो इसलिए अब आपको छोटे छोटे प्रॉफिट्स और छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ एक चर्निंग का ट्रेड आज देखने को मिलेगा, और शायद आज और कल दोनों दिन रहे। एक और पॉइंट, आज मंगलवार है, कल बुधवार को वीकली एक्सपायरी होगी बैंक निफ्टी की, और परसों एक्सपायरी होगी निफ्टी की, तो उस हिसाब से थोड़ी पोजिशनिंग होगी आज मार्केट की। तो आज मार्केट टिपिकली पोजिशनिंग और कंसोलिडेशन के दिन में निकालेगा, एज सच कोई बड़ा मूव या बड़ा फॉल एक्सपेक्टेड तो नहीं लग रहा। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ी चाल नजर नहीं आ रही है दोनों ही साइड, और कंसोलिडेशन का कारोबार रह सकता है आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही। अहम स्तर आपको भी डिम्पी बता रहे थे, तो सीधे सीधे ग्लोबल मार्केट पर की तर्ज पर ही आज भारतीय बाजार भी कारोबार करते हुए नजर आएंगे, और उस अकॉर्डिंग हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आपको बताया। बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो लेवल्स तो हमने समझे, लेकिन आज निफ्टी और बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है या नहीं ये भी एक बार देख लेते हैं। और हमारे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग से अजीत मिश्रा जुड़ चुके हैं। अजीत, थैंक यू सो मच इजीना स्वदेश को समय देने के लिए। लेवल्स तो हमने अभी समझे, डिम्पी बता रहे थे, लेकिन आज ट्रेड करने की कोई सलाह देंगे, कोई ट्रेड देख रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी अपने बताइए। तो पूजा देखिए, जिस तरीके से जी बिल्कुल आवाज आ रही है। सो बेसिकली देखिए, अभी जो मार्केट में पूजा रिकवरी आई है वो लार्जली ग्लोबल लेट थी। आपने देखा कि गैप अप ओपनिंग फॉलोड बाय कंसोलिडेशन ड्यूरिंग द डे, तो इसी तरीके का सेशन, कल का सेशन थोड़ा सा कंपैरेटिवली बेटर था कि आपने लास्ट हाफ एन आवर में बाइंग इंटरेस्ट बढ़ जाते हुए देखा था।
19450 से लेकर 500 का जोन पूजा, ये रेजिस्टेंस एरिया है, तो हम उसके बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। तो इनफैक्ट फ्रेश पोजीशन के बदले मेरे हिसाब से आपके पास एग्जिस्टिंग जो भी लॉन्ग्स हैं आपको एक बार को बुक करना चाहिए, और वेट करेंगे हम 19500 के पास सस्टेनेबिलिटी का और फ्रेश लॉन्ग्स। बैंकिंग में भी देखिए रिकवरी जरूर आई है, बट यहाँ पे अभी भी यू नो मल्टीपल रेजिस्टेंस है, 43800, 44100 और मिक्स ट्रेंड है अभी भी। कल जैसे कि प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स में काफी अच्छा एक रिकवरी था, खासतौर से एक्सिस बैंक में, तो ये सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से अभी इंडेक्स को छोड़ के आप स्टॉक स्पेसिफिक अगर देखेंगे तो ज्यादा अच्छे यू नो अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, बिकॉज इंडेक्स आपके रेजिस्टेंस जोन के पास आ सकती है। ओके, तो इंडेक्स फिलहाल रेजिस्टेंस जोन पे है, रिस्की ट्रेडर हैं तो आप करिए, लेकिन वैसे ट्रेड करने की सलाह फिलहाल इंडेक्स में नहीं दी जा रही है, जैसा कि डिम्पी भी अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे। तो ऐसे में अजीत, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या होंगे आपकी तरफ से? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक अक्रॉस द बोर्ड आप बाइंग इंटरेस्ट देख रहे हैं। तो जैसे हाल फिलहाल में अभी भारत फोर्ज ने अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को रिटेस्ट करने के बाद वहां से रिकवरी दिखाई है, मुझे लगता है कि ये दोबारा से अपने रिकॉर्ड हाई को रिटेस्ट करने का पोटेंशियल लगता है। 1130 तक के टारगेट्स नियर टर्म में आपको दिखते हैं, 1050 के स्टॉप लॉस के साथ आप उसको लॉन्ग कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक फ्रॉम दी सीमेंट स्पेस, रैमको सीमेंट, बिल्कुल भी यू नो करेक्टिव मूव में इसने पार्टिसिपेशन नहीं किया, अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को बहुत स्ट्रांगली होल्ड किया, और अभी कंसोलिडेशन का जो एक रेंज चल रही थी उसका ब्रेकआउट हुआ है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो यहाँ पे भी देखिए एंटीसिपेटेड है कि शॉर्ट टर्म बायस पॉजिटिव ही रहेगा, 1035 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, 992 के स्टॉप लॉस के साथ इसको भी आप लॉन्ग करें। रैमको सीमेंट्स, भारत फोर्ज दोनों में तेजी करने की सलाह अजीत की तरफ से। अजीत, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। चलिए अब